Assalamu alaikum friends, and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we are going to discuss Articles of Constitution of Pakistan 1973. But before starting my discussion, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon for latest updates. So first we are going to discuss the introductory part of articles, which includes Article 1 to Article 6. In the introductory parts, the Article 1 is related to the Republic and its territories. Article 1 से 6 में हमारे पास just introduction बताया, ये इतना difficult नहीं है, so हम इसको जल्दी-जल्दी cover करने की कोशिश करते हैं. Article 1 says, Clause 1 में Article 1 क्या कहता है? The Pakistan shall be a federal republic to be known as Islamic Republic of Pakistan, hereinafter referred to as Pakistan. कि पाकिस्तान की जो स्टेट होगी वो फेडरल रिपब्लिक होगी इन इट्स नेचर, जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा और बाद में इसे पाकिस्तान कहा गया. क्लॉज 2 में ये कहता है दैट द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइजेज ऑफ, पार्ट ए में कहता है द प्रोविंसेस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब एंड बलोचिस्तान. के टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोविंसेस पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 4 सूबे होंगे. क्लॉज 2 के पार्ट बी में कहता है द इस्लामिक कैपिटल टेरिटरी हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज फेडरल कैपिटल, के इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को बाद में फेडरल कैपिटल का नाम दिया गया. सी पार्ट में कहता है कि सच स्टेट एंड टेरिटरीज इज और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वेदर बाय एक्सेशन और अदरवाइज, कि वो तमाम स्टेट भी पाकिस्तान की टेरिटरी में इंक्लूड की जाएंगी जो इल्हाक के जरिए या किसी और तरीके से पाकिस्तान में शामिल हो चुकी हैं. क्लॉज 3 ये कहती है दैट द मजलिस-ए-शूरा और पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू फेडरेशन न्यू स्टेट और एरियाज ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट मे थिंक फिट, कि मजलिस-ए-शूरा जो है वो लॉ के जरिए उन तमाम एरियाज को भी पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल करेगी जो जिसको ये उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिट समझती है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 इज सेज दैट इस्लाम टू बी अ स्टेट रिलीजन. आर्टिकल 2 ये कहता है कि इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, कि इस्लाम जो है वो पाकिस्तान की रियासत का मजहब होगा. आर्टिकल 2A हमारे पास क्या कहता है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन, के जो प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में शामिल मौजूद हैं या शामिल हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट, मेन पार्ट जो है वो बनाया जाएगा, एंड दे ऑल हैव शैल हैव द इफेक्ट अकॉर्डिंगली विद दैट. ये हमारे पास था आर्टिकल 2A. नेक्स्ट इज आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. आर्टिकल 3 इज रिलेटेड टू एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स के एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि इस्तेहसाल, इस इस्तेहसाल की एलिमिनेशन करना, इसको ख़त्म करना. इस्तेहसाल मतलब किसी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना. सो आर्टिकल 3 सेज दैट स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि स्टेट जो है वो हर किस्म के इस्तेहसाल को ख़त्म करेगी एंड ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, और जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी फुलफिलमेंट को इंश्योर करेगी. एंड थर्ड में ये कहता है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, कि हर बंदे से उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम लिया जाएगा और हर बंदे को उसके काम के मुताबिक उसका उतना ही मुआवजा दिया जाएगा. ये हमारे पास है आर्टिकल 3. आर्टिकल 4 हमारे पास है the rights of individuals to be dealt in accordance with law. Article 4 है, ये कहता है कि तमाम individuals के जो right हैं वो law के according deal किए जाएंगे. Article 4 हमें बताता है rule of law. Rule of law, अगर आपसे CSS के questions में या किसी भी exam में आपसे पूछा जाए कि rule of law कौन से article को deal करता है, तो आप कहेंगे कि article 4 जो है वो rule of law के बारे में बताता है. इसके अलावा article 8 भी हमें यही बताता है और article 10 भी rule of law के according है. So moving towards first clause of article 4. Article 4 की first clause क्या कहती है, to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, कि हर citizen को प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया जाएगा, लॉ की प्रोटेक्शन होगी, उसको उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके राइट्स को, और उसको लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा. ये हर सिटीज़न का इनएलियनेबल राइट है, मींस नॉन ट्रांसफरेबल, उससे कोई भी ये राइट नहीं छीन सकता. वेयर एवर ही में, जहाँ भी वो होगा, चाहे वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर है, उसे लॉ की प्रोटेक्शन मिलेगी.
क्लॉज टू में ये कहता है कि इन पार्टिकुलर नो एक्शन डिट्रीमेंटल टू लाइफ लिबर्टी बॉडी रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि किसी भी बंदे की लाइफ लिबर्टी रेपुटेशन या उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट लॉ के अकॉर्डिंग, कि अगर उसकी प्रॉपर्टी उसकी अपनी पोजेशन में नहीं है या उसने किसी बंदे से वो प्रॉपर्टी छीनी हुई है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है, वो भी लॉ के अंदर रह के। क्लॉज बी क्या कहती है, दैट नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सच एक्ट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि किसी भी बंदे को वो काम करने से नहीं रोका जाएगा जो लॉ ने अलाउ किया है। एंड क्लॉज थ्री क्या कहती है, कि किसी भी बंदे को कंपेल नहीं किया जाएगा ऐसा काम करने के लिए विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर लॉ विच इज़ अगेंस्ट लॉ।